प्रिंसेस कट बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। फ्रॉक का मेजरमेंट फुल लेंथ 26 इंच, अक्रॉस बैक 10 इंच, चेस्ट 24 इंच, वेस्ट 22 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच, बॉटम 8 इंच। फ्रॉक की लेंथ निकालेंगे सबसे पहले, फुल लेंथ हमारी 26 इंच है प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग 26 इंच, हाफ इंच सीम अलाउंस, 1 इंच टर्निंग। 26 प्लस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 27 एंड हाफ। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये प्रिंसेस कट फ्रॉक है हमारा, इसमें फ्रंट में हम जो है प्रिंसेस कट डालेंगे और बैक में नहीं, जो डॉट डालेंगे वो सिर्फ फ्रंट में डालनी है। अगर बैक में डालना चाहे तो बैक में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाल ही नहीं सकते हैं। ये यहां से यहां तक फुल लेंथ है, फोल्ड साइड है, और ये फोल्ड साइड। अब यहां पर हम अक्रॉस बैक का निशान लगाएंगे। अक्रॉस बैक का हाफ करेंगे, 10 इंच का हाफ किया, 5 इंच हम अंदर आएंगे और निशान लगाएंगे यहां पर तीरे का। ये हमने यहां पर तीरे का निशान लगाया, आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के निशान के लिए अक्रॉस बैक का हाफ जितना हमारा तीरा है उसमें हम आधा इंच प्लस कर देते हैं, 5.5 5.5 इंच। तीरे से डाउन आएंगे, 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम यहां पर। 5.5 इंच पर निशान लगाने के बाद चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। चेस्ट यहां पर है हमारी 24 इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 इंच प्लस 1.5 7.5। चेस्ट लाइन के लिए लेंथ लाइन से ये हमारी लेंथ आई है, इसके अंदर जाएंगे चेस्ट लाइन के लिए 7.5। 7.5 पर हम यहां निशान लगाएंगे। 7.5 पर हमने ये जो निशान लगाया है ये चेस्ट लाइन के लिए निशान लगाया है। अब हम नेचुरल वेस्ट के लिए डाउन आएंगे 10 इंच पर, तीरे से डाउन आएंगे 10 इंच पर, और 10 इंच पर डाउन आने के बाद हम यहां पर कमर की लेंथ का निशान लगा लेंगे। ये हमने तीरे से डाउन आए 10 इंच और कमर का निशान लगा लिया, यहां पर हम कमर की विड्थ का निशान लगाएंगे। वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5, 22 वेस्ट है, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5.5 प्लस 1.5 इजिकल टू 5.5 प्लस 1.5 इजिकल टू 7 इंच। ये जो हम 10 इंच नीचे आए हैं और निशान लगाया है इस पर हम कमर का निशान लगाएंगे, 7 इंच अंदर आएंगे और यहां पर ये निशान लगाएंगे कमर का। अब चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से मिला देंगे। यहां पर कमर की शेप करने के बाद बॉटम का निशान लगाएंगे। जो विड्थ लेनी है हमें चेस्ट का हाफ करेंगे प्लस 2 इंच, 24 इंच हमारी चेस्ट है, चेस्ट का हाफ किया 12 इंच
प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 14 इंच। फ्लोप की जो वेट निकली हमारी 14 इंच। इसके अलावा अगर आप कम करना चाहे या ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं। जितने भी फ्लोप की विड्थ लेना चाहते हैं यहां पर ले सकते हैं, ज्यादा रखना चाहे ज्यादा भी रख सकते हैं। ये हमने यहां से यहां तक इस फार्मूले के हिसाब से 14 इंच विड्थ ली है। ये विड्थ लेने के बाद हम इसको कमर से मिला देंगे, ये सेव करेंगे। विड्थ को ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर और ये हल्की सी हम ये शेप दे देंगे ताकि ये कॉर्नर ना निकले। ये शेप करने के बाद नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 12, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 इंच। अब हम यहां पर फ्रंट नेक लेंथ का फॉर्मूला देखेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 इंच। ये हमारी विड्थ निकल करके आई है गले की और ये लेंथ फ्रंट की। बैक नेक के लिए, बैक नेक लेंथ 2.5 लेंगे हम बैक नेक में, 2 इंच पर विड्थ का निशान लगाएंगे। बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे 2.5 पर और ये हम मिला देंगे। 2.5 हमने बैक नेक की लेंथ ली है, 2 इंच विड्थ लेंगे। विड्थ फ्रंट और बैक में इक्वल होगी। अब यहां पर हम फ्रंट नेक की लेंथ का निशान लगाएंगे और कोई भी शेप देंगे, विड्थ उतनी ही रखेंगे। ये हमने फ्रंट नेक लेंथ की शेप दी। अब जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हम कट डालेंगे 3 इंच का। बैक पार्ट में कट डालने के लिए हम यहां 3 इंच डाउन आएंगे और 3 इंच का ये कट डालेंगे यहां से यहां तक। यहां पर आप जिप लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं, कोई भी फैंसी बटन लगा सकते हैं ओपनिंग को क्लोज करने के लिए। अब हम आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन जाएंगे, नेक विड्थ से मिलाएंगे, तीरे को डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद जितनी आर्म होल की रेखा बची है उसको हाफ करेंगे हम। हाफ करके डाउन की हुई रेखा से इसको मिलाएंगे। सेव करेंगे। फ्रंट आर्म होल की सेव करने के लिए यहां पर जो हम डाउन आए हैं इससे इसको पकड़ेंगे यहां से और चेस्ट लाइन से मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की सेव हुई। बैक के लिए हम यहां से अपने पैन को रखेंगे और चेस्ट लाइन से ला करके ये मिला देंगे। ये हमारे बैक आर्म होल की सेव हुई। ये हम 1/2 इंच अंदर की तरफ आए थे। अब इसमें हम डॉट डालेंगे। डॉट डालने के लिए हमें क्या करना है ये ध्यान देना है आपको। ये जो हमारा आर्म होल है ये यहां से यहां तक की जो गोलाई है आर्म होल की फ्रंट वाले में, फ्रंट में डालेंगे हम, फ्रंट की चेक करेंगे। ये आर्म होल की जो गोलाई है इसको हम
नाप लेंगे और इसका हाफ करेंगे, हाफ जहां पे गोलाई का आएगा वहां पर ये निशान लगाएंगे। तीरे से डाउन आएंगे हम 7 इंच पर, जहां भी 7 इंच होगा वहां पर आप एक निशान लगाएंगे। लेंथ लाइन से 3 इंच पर अंदर आएंगे, यहां से ये हम 3 इंच पर अंदर आए और इसको हम मिला देंगे, सेव करेंगे। ये देखिए ये आर्म होल का सेंटर 7 इंच नीचे 3 इंच अंदर की तरफ आए और ये मिला देंगे ऐसे। अब डॉट को आगे तक मिलाना है हमें, तो यहां पर या तो आप स्ट्रेट रख सकते हैं, स्ट्रेट रखना चाहें तो, लेकिन हम इसमें आगे तक ले जाएंगे तो यहां पर 6 इंच, 6.5, 5.5, 5 जितना आगे जाना चाहे जा सकते हैं। ये हमारी जो लेंथ लाइन है फोर साइड से इधर की तरफ आएंगे हम 6 इंच पर और ये वाली रेखा को हम इस तरीके से यहां ला करके मिला देंगे। इसको स्टिच करते वक्त आप पाइपिंग निकाल सकते हैं, फेसिंग दे सकते हैं, ये इस प्रकार से कट होगा। ये सिर्फ फ्रंट में होगा कट, बैक आपका ये डॉट नहीं डलेगी बैक में, ये फ्रंट और बैक दोनों ही पीस है, दोनों ही पीसों की ड्राफ्टिंग है ये। अब हम यहां पर स्लीव लेंथ हमारी है 5 इंच, स्लीव लेंथ का निशान लगाएंगे और स्लीव विड्थ का लगाएंगे। ये हमारी स्लीव लेंथ है, फोल्ड साइड है ये। देखिए स्लीव लेंथ निकालनी कैसे है, स्लीव लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। स्लीव लेंथ हमारी 5 इंच है, आधा इंच हम यहाँ स्लीव सीम अलाउंस रखेंगे, टर्निंग के लिए आप 1 इंच, 1.5 इंच जितना रखना चाहे रख सकते हैं। 5 प्लस हाफ प्लस 1, 6.5 इंच स्लीव लेंथ निकल करके आई। विड्थ के लिए जितनी हमने आर्म होल में विड्थ रखी है उसमें हम प्लस कर देंगे, आर्म होल विड्थ में प्लस करेंगे हम 1 इंच, 5.5 इंच हमने वहां लिया था, 5.5 इंच प्लस 1 इंच, यहां आप 1/2 इंच भी कर सकते हैं कम करना चाहे तो। ये हो गया 6.5, 6.5 इंच। तो हमने जो विड्थ ली वो यहां से यहां तक 6.5, 2 इंच यहां पर डाउन आएंगे और ये निशान लगाएंगे। आप यहां पर 2 से 3 इंच डाउन आ सकते हैं, 2 इंच पर अगर आपको शेप नहीं करनी है तो यहां 3 इंच पर शेप कीजिए, 1/2 इंच अंदर की तरफ आइए और ये शेप कीजिए। ये वाली फ्रंट है और ये वाली बैक आर्म होल की शेप है। यहां से हमें बॉटम है हमारी 8 इंच, बॉटम का 1/2 करेंगे प्लस 1 इंच इजिकल टू 5 इंच, फोल्ड साइड से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। यहां पर आप 1.5 भी ऐड कर सकते हैं बॉटम के लिए, स्लीव की जो बॉटम है ये यहां से
यहां तक 5 इंच, यहां 3 इंच, आप 2.5 या 2 इंच पर भी आप सेव कर सकते हैं यहां पर। ये हमारे प्रिंसेस कट बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई।